दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2025 के सीज़न के लिए अब ऑलमोस्ट अपने सभी रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों के लिस्ट फाइनलाइज कर चुकी है, जहां पर दोस्तों सभी फैंस के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ अभी से ही है। वैसे तो दोस्तों हमने कल टेलीग्राम के ऊपर श्रेयस अय्यर के ऊपर भी एक डाउटफुल न्यूज़ थी वो विद सोर्स आपको प्रोवाइड कराई थी, तो जो जो लोगों को नहीं पता है हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाइए उसको फॉलो कीजिए। बात करेंगे आज के टॉपिक पर, आज के वीडियो पर टीम केकेआर के लिए अनकैप्ड खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट अभी है कि अनकैप्ड खिलाड़ी हर्षित राणा होने वाले हैं या फिर रमनदीप सिंह होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि जो दो आरटीएम टीम को मिलने वाले हैं उनमें से एक आरटीएम इन दो खिलाड़ी में से किसी एक के ऊपर यूज होगा। आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आप जानना चाहोगे सेकेंड आरटीएम कौन से खिलाड़ी के ऊपर यूज होने वाला है। वो भी वहां पर भी दो चॉइसेस हैं, बट अभी बात करते हैं रमनदीप सिंह और हर्षित राणा की। तो रमनदीप सिंह अभी दोस्तों इमर्जिंग वाला जो कप है वो खेल रहे हैं, जहां पर उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा था, जहां पर वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, तो एक पावरफुल ऑलराउंडर हो गए हैं जहां पर वो फिनिशिंग का काम निभाते हैं। रमनदीप सिंह जहां पर एक तरफ आंद्रे रसल, रिंकू सिंह कभी कभी मुकाबलों में या तो फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, जल्दी आउट हो जाते थे या शायद आउट नहीं भी होते थे, तो भी उनके सामने रमनदीप सिंह ने जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाई है वो सबको इम्प्रेस करती हुई नजर आई है। और ऐसे में अब फिनिशर यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जितना इंपॉर्टेंट एक गेम के अंदर फिनिशर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट बॉलर भी होता है, क्योंकि जब से इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल आया है तो बॉलरों को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, तो ऐसे के अंदर हर्षित राणा नजर आते हैं। हालांकि फ्लाइंग किस वो जो देते हैं ना, वो यहां पर शायद एसआरएच को तो पसंद ना आए, बट केकेआर के फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बट वहीं हर्षित राणा के ऊपर आरटीएम यूज किया जाएगा तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, जहां पर हर्षित राणा एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव गेंदबाज है, अच्छा पेस वेरी करते हैं और बार बार जब जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो आकाश चोपड़ा तो इनकी तारीफ किए बिना थकते ही नहीं है। तो ये बात तो है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड है, पर टीम केकेआर के पास चॉइस केवल एक है, क्योंकि यहां पर ना इनके पास इन दो में से किसी एक के ऊपर आरटीएम यूज करना है, क्योंकि जो बचे हुआ आरटीएम है वो बचे हुए उन दो खिलाड़ियों में से भी, वो भी एक बहुत हार्ड चॉइस है। और टीम केकेआर लेट्स सी क्या यहां पर निर्णय लेती है, बट आप निर्णय लेके बताओ, आरटीएम आपके पास एक ही है, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, किसके ऊपर यूज करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि अब तो यहां पर रिटेंशन की डेट पास आ गई है, तो क्या अब से आप डिटेल्स वीडियो देखना ज्यादा पसंद करोगे? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।